ये खेत है, ये गोल टाइप का है, से है ये, जो देख सकते हो इसे बोलते हैं। पूरी आवाज़ भी बैठ चुकी है। चलो तो जैसे मोटो ब्लॉग, तो मोटो ब्लॉग का आपको पसंद आए तो कमेंट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। और कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे दोस्तों, और मैं भी मस्त हूँ दोस्तों। अभी मैं जा रहा हूँ फल लगाने के लिए, और ये है मेरे कंधे में, देख रहे होंगे, यह है कंजोला जो बैलों के ऊपर रखा जाता है। और उम्मीद है आप सबको ये वीडियो भी पसंद आएगी, और वीडियो में बने रहे, और वीडियो को पूरा देखिए। आज आपको फल लगाने की वीडियो भी दिखाऊँगा, और मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी, और हमारे साथ अभी और कोई नहीं है। तो चलो तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों इतना लग चुका है खेत, और देख सकते हो आधा यहाँ से लगाया मैंने, और आधा वहाँ से, और आधा ऊपर से, क्योंकि ये खेत है, ये गोल टाइप का है, तो इसमें इस प्रकार से हल लगाना पड़ता है। और कुछ इस प्रकार का व्यू है आज का, देख सकते हो पूरा आसमान नीला नीला, और सब लगे हैं हल लगाने पे, और कुछ हालत ख़राब हो चुकी है इनके साथ। और वीडियो बनाने के लिए इसलिए नहीं हो रही दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ है नहीं कोई जो मेरी वीडियो बना पाए, तो मुझे ही थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये बैल आप देख रहे हो, ये सोच रहे होंगे कि आपकी ये फिर से वापस कैसे आए, जिनके पास हमने दिए थे दोस्तों, तो उनके पास तो ये मतलब हल लगा नहीं रहे थे, तो इसलिए उन वो फिर वापस लेके आ गए। तो क्या करें, हमारे पास तो चल रहे हैं अच्छे खासे, पता नहीं क्यों। चलो जैसा भी आया वैसा अपने बैल है हल लगाते रहेंगे। दोस्तों सुबह आ चुका था मैं, और टाइम भी हो चुका है, पता नहीं कितना हो रहा है अभी टाइम, 7 बज गए होंगे। और ये हमारे कुछ इस प्रकार के बैल, लाल और ब्लैक, आवाज़ बैठ चुकी है मेरी इनके साथ भटिया भटिया के। तो चलो तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। आई नहीं दोस्तों, मैंने तो अपना हल लगा चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ झोल के लिए, टाइमिंग उसके ऊपर लगाना पड़ता है। अभी आपको दिखा दो कैसा होता है वो झोल। और मैं यहाँ रखा हूँ यहाँ धारा, और धारा के बगल जस्ट बगल पे ही हमारा खेत है, तो हल तो लगा चुका हूँ, पूरी आवाज़ भी बैठ चुकी है। चलो तो लेके आता हूँ पहले मैं उसको, वीडियो बने रहे, वीडियो बन जाएगी आप। और दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, जो देख सकते हो इसे बोलते हैं। अब इसके बाद हल के बाद ये लगाएंगे, मम्मी गुड़ाई कर रही है तो उसके बाद ही करेंगे। मेरे खाना आई मीन नाश्ता कर लेते हैं। हे गाइस, तो ये ब्लॉग हो रहा है अब शाम को स्टार्ट, तो सुबह मैंने ब्लॉग किया था और अब कर रहा हूँ मैं शाम को स्टार्ट, क्योंकि दोस्तों कुछ इस प्रकार से शाम को इसलिए हो रहा है ब्लॉग स्टार्ट, तो मतलब सुबह को हल लगाने के बाद बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी थी, तो इसलिए शाम को ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी शाम के लगभग 3 या 3:30 हो रहा है टाइम, तो 3 या 3:30 ही हो रहा है टाइम, और मौसम पूरा ख़राब हो चुका है, बारिश लगने लगी है हल्की फुल्की, लेकिन धूप ही है और बारिश भी लग रही है। और मैं आया था अभी खेत में, ये काफ़ी दूर है, क्योंकि यहाँ रखना था मुझे जो हल है वो, क्योंकि यहाँ रखना था तो मम्मी और मैं हम दो हैं, और तो इसलिए मतलब सुबह हमको लेने मतलब उतना ज़्यादा सामान होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है, इसलिए एडवांस में सारा काम करना पड़ रहा है। तो मेरा घर तो काफ़ी दूर दिख रहा है यहाँ से, अभी आपको मैं यहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ, तो चलो तो दिखाता हूँ मैं आप सबको। सुबह तो आपने देखा होगा नीले नीला आसमान, लेकिन अभी देख सकते हो पूरा बादल से ढक चुका है, और ये साइड आसमान इस प्रकार से, बारिश भी लग रही है।
कुछ इस प्रकार से है। और शाम के टाइम तो मैं हल लगाने नहीं आया, क्योंकि सुबह ही आता हूँ मैं, शाम को नहीं एक टाइम लगाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा खेत भी नहीं है हमारे। और सामने पे है मेरा घर, यहाँ से आपको जूम करके देखो, यहाँ बहुत दूर है यहाँ से तो। और कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे देख सकते हो सुगो ने, बस सुअर है तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे अपने लिए सोने की जगह बना रखी है। कुछ इस प्रकार से पहाड़ों में होता है दोस्तों। शाम का टाइम है तो शाम के टाइम ज़्यादातर मैं घूमने ही जाता हूँ सड़क की ओर, तो अब थोड़ी देर बाद मैं सड़क की ओर घूमने चले जाऊँगा। तो उम्मीद है आप सबको ये ब्लॉग भी पसंद आएगा, और ब्लॉग में बने रहे, ब्लॉग को पूरा देखिए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, तो इसलिए तो आपको कुछ और ब्लॉग देखने को मिलेंगे, जैसे मोटो ब्लॉग। तो मोटो ब्लॉग आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो तो मिलते हैं। दोस्तों मैं खेत से घर आ चुका था, और उसके बाद मैं सीधा आया हूँ यहाँ सड़क पे, और सड़क पे अब थोड़ा बहुत घूम लेते हैं और उसके बाद शाम को सीधा घर चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो में।